होशिया बेचनिया नादानिया बाबू मोशाय, ये दूध पी लिया तो नाश्ते के लिए कहीं और जाना पड़ेगा रे। मम्मी को कितनी बार बोला कि दूध में हेल्थ पाउडर मिला के दे, पर वो तो कुछ समझती ही नहीं। इतनी मुसीबत उतरनी पड़ती है मुझे छोटे हाइट की वजह से। अच्छे जी। कौन है सुबह सुबह? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। नंदो आलसी कहीं का। ओए रब्बा, सवेरे सवेरे कौन आ गया, मर जाना, नींद तो पूरी करने देता। ये लीजिए आपका दूध। हैं? हैं? थैंक यू। हाउ क्यूट। तारीफ के लिए शुक्रिया। काश मैं भी आपकी तारीफ कर पाता आंटी। आंटी के बच्चे, बकवास ना करी। हाफ लीटर दूध के लिए हाफ टिकट भेज दिया दूध वाले ने। मैं तो एक नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, दूध वाले नहीं। आंटी आंटी, तुम्हारा नाम क्या है? नन्ना सा मुन्ना सा, नॉट सो प्यारा बच्चा। राहुल नाम है मेरा, नाम तो सुना होगा। हाय हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो राहुल? एक मिनट, स्वागत नहीं करोगी आप हमारी आंटी? हाय मैं मर जावा, इतना फिल्मी बच्चा है। साइज देखो, क्वीन साइज, और बातें किंग साइज, लार्जर देन लाइफ। अंदर आ चल। हाय रब्बा सियापा, ये सब भी हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, आज सुबह ऑटो के लिए मोतो मतलब मोहित से पहले मैं रिक्शा की लाइन में खड़ा था। जैसे ही रिक्शा आई वो भागता हुआ आया, मुझे धक्का देके रिक्शा में बैठ के चला गया और मैं धड़ाम से गिर गया। हाय राहुल, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी बेटा? मर्द को कभी दर्द नहीं होता आंटी। है? कमाल है, इतना बड़ा मर्द मैं पहली बार देखी। एनीवे, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मर्द यानी कि मैं, भाग मिलकर भागी तरह भागता भागता रिक्शा का पीछा किया और रिक्शा आगे निकल गई। फिर क्या, रिक्शा आगे आगे मैं पीछे पीछे, रिक्शा आगे आगे मैं पीछे पीछे, रिक्शा आगे आगे मैं पीछे। बस बस बस, रुक जा रुक जा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, मैं घूम गया। ले तेरा तो क्लाइमेक्स ही फुस है। एक बात बताओ, तुम रिक्शे के पीछे गए क्यों? ना तुम रिक्शे के पीछे जाते ना गुम होते। आप अपनी जगह पे बैठे गए। हम डरते दिखाने की जरूरत नहीं आंटी, मेरी और मोतू की दुश्मनी बहुत सालों पुरानी है। ओहो ठीक है बाबा ठीक है, कम से कम ये तो बता दो तुम कितने साल के हो। वो तो याद नहीं, पर जिस दिन हम पहली बार मिले थे तब से हमारी दुश्मनी शुरू हो गई थी। है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो मेरा टिफिन बॉक्स खा गया। बहुत बुरा किया उसने। अरे आपकी बातों में मैं एक जरूरी बात तो बता भूल ही गया। लो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर कोतवाल की नहीं, मैं अपनी बात बताना भूल गया। 12 बजते ही आप मुझे बता देना। क्यों? वक्त आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा आंटी। ठीक है बता दूंगी। चलो तुम अपना एड्रेस तो बताओ। एड्रेस याद होता तो मैं यहाँ क्यों आता आंटी? स्कूल का नाम तो बताओ। जिस जगह जाना पसंद हो उस जगह का नाम कैसे याद रहेगा आंटी? बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड बच्चा लगता है। ठीक है अपना बैग दिखाओ। बच्ची की जान लोगे क्या? बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। उस मोतो से लड़ने के लिए मुझे एनर्जी तो चाहिए ना, वो बहुत मोटा है, आपसे भी बहुत मोटा। क्या मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ? पापा ने बोला था कभी औरतों को मोटा नहीं कहते। सॉरी सॉरी, अब मैं आपको मोटा नहीं कहूंगा, पर बच्चे खाना नहीं खाएगी तो कमजोर हो जाएगी ना। ओके बाबा ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। अब से तो मुझे दीदी कहोगे। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या बोला? ठीक है ब्यूटीफुल दीदी। That's better. चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ।
नंदू पप्पू जाग जाओ, सरप्राइज ब्रेकफास्ट है। क्या? यस! अरे वाह यार, आज आखिर वो दिन आ ही गया। वो दिन आ ही गया, आ ही गया वो दिन। अब मुझे अपनी पॉकेट मनी बाहर के नाश्ते पे नहीं खर्चनी पड़ेगी। अब भाई की पॉकेट मनी बचेगी और मैं उससे रिया को फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। लेकिन मुझे अपनी पॉकेट मनी पप्पू से बचा कर रखनी पड़ेगी। आई नो भाई, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पर जब मैं उनके पास जाके कहूंगा कि भाई तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तो वो मान जाएंगे। चलो, नाश्ते के बारे में सोचते ही भूख लग गई। पर क्या होगा नाश्ते में? या गरम गरम जलेबी और दूध। यार आज तो जम के खाऊंगा। भाई पप्पू, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। पप्पू यार, मेरा मुंह पानी से भर गया है। भाई मुंह में पानी क्यों भरो, बाल्टी में भर लो ना। अबे मेरे बोलने का मतलब ये है कि अब रहा नहीं जाता, चल जाके देख लेते। हाँ भाई चलो। भाई भाई इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा लौंडा तुमने मुझसे छुपा के रखा इतने सालों तक। अबे चुप कर यार, पहले मुझे तो कंफर्म करने थे कि मेरा बेटा है। अरे अगर ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो सुबह सुबह इस घर में भगवान के प्रसाद की तरह क्या कर रहा है? पप्पू भगवान का प्रसाद तो नहीं, लेकिन अपने भगवान अंकल का लेटेस्ट सैंपल लगता है मुझे। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? बस करो भाई, तुमने मुझे लूलू समझाया क्या यार? इतने बड़े बच्चे की बात तुमने आज तक मुझे छुपा के रखी। और मैं बेचारा आज तक यही सोचता रहा कि इस घर का सबसे छोटा बच्चा मैं हूँ। अबे चुप यार, तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात तो मेरे समझ में आती है, लेकिन मुझे पता नहीं ये कब हुआ। हद कर दी यार, चंदू ने मुझे भी नहीं बताया। भाई फिर तो ये साइंस का कमाल है। पप्पू मैं भी यही सोचूं, क्या सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? सुनो ये राहुल है, आज सुबह दूध वाले की जगह ये मुझे मिला, गुम हो गया है, और इसे सही सलामत घर पहुंचाना तुम दोनों की ड्यूटी है। क्यों भाभी, जब ये दूध वाले की जगह मिला था तो आप दूध वाले से पूछे ना, हमारे गले में क्यों लटका रही है? हाँ, और तुम्हें मिला है तो तुम पहुंचाओ ना, हम क्यों जाए? अरे नंदू मुझे काम पर जाना है यार, और तुम दोनों तो वैसे भी वेले हो, कुछ जिम्मेदारी वाला काम कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे थोड़ा घुल मिल करके ना इसके घर का एड्रेस जानने की कोशिश करना। अरे भाभी ये तो नाइंसाफी है यार, इतना बड़ा काम सौंप दिया, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए इस काम का। हाँ, इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम सौंपा है, ये इनाम से कम है पप्पू? चंदू देखो, मैं मानता हूँ कि पप्पू एक नियायती निकम्मा और निथल्ला इंसान है, पर मैं तो काम कर रहा हूँ ना, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे तो इनाम मिलना ही चाहिए। वाह नंदू, तुम काम करते हो यार, ये तो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए है ना? जा शराब, जो कहा है चुपचाप करो, और मेरे घर आने से पहले पहले इसे सही सलामत अपने घर पहुंचा दो, मैं तैयार होने जा रही हूं। अंकल 12 बज गए क्या? हाँ बज गए 12। अरे मैंने आंटी को बोला था 12 बजते मुझे बता देना, आंटी ने क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया यार? अरे यार शान गदाधारी भीम, अभी तक 12 बजे नहीं, तुम्हारी वजह से लेकिन हमारे 12 बज गए। चल दूध पी। भाई ये पक्का भगवान अंकल की साजिश है। ये ले बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हें ये नहीं पता कि तू कहाँ रहता है, तुझे ये नहीं पता कि तेरा स्कूल कौन सा है, लेकिन तुझे ये तो पता होगा कि तेरी मम्मी खाने में क्या क्या बनाती है। साउथ इंडियन, मुगलाई, रशियन, इटालियन, गुजराती। एप्पल तुझे देख लो मेरी मम्मी क्या बनाती है, अभी पता लग जाएगा। अबे पप्पू इसकी हालत तो हम दोनों से भी कहीं गुजरी है। हाँ
लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इसकी मम्मी के बनाए हुए खाने से इसके घर के पते का क्या लेना देना है? अरे यार यही प्रॉब्लम है तुम जैसे नॉन क्रिएटिव लोगों का। तुझे ये नहीं पता कि हम राइटर्स कितनी गहराई से सोचते हैं, हमारा दिमाग कितना तेज दौड़ता है। इसके घर पे क्या क्या खाना बनता है उससे हम सूंघ सूंघ कर उसके घर तक पहुँच जाएंगे, समझा? बैड आइडिया भाई, ऐसे घर घर सूंघते फिरेंगे ना कुत्ता समझेंगे लोग हमें। मेरे पास एक आइडिया भाई। बोल बेटा, तुम्हारे घर के पास अच्छी लड़कियां हैं क्या कुछ? हाँ भाई, हम क्या करेंगे, हम अभी बाहर रोड पे जाके ना जितनी भी अच्छी लड़कियां उनको ताड़ेंगे। नहीं, मेरा मतलब मैं ताड़ूंगा, आप सिर्फ देख लेना उनको ताड़ के और जिसे ये पहचान लेगा कि इसके घर के पास रहती है और वो पड़ोस वाली लड़की से मैं फ्रेंडशिप कर लूंगा। फ्रेंडशिप करने के बाद मैं उसे पुराना किला घुमाऊंगा, वहां पे नौका चलवाऊंगा और फिर उससे बहुत सारी बातें। हीरो वापस आ जा बेटा, तेरे इस आइडिया में ना सिर्फ सैंडल पड़ेगी, सैंडल। अबे चुप कर, इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ सोचूं। बेटा राहुल, ये बताओ कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम लक्ष्मीपति करोड़पति है। लक्ष्मीपति करोड़पति? बेटा एक बार दोबारा बताना। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? आइया। हाँ भाई। नहीं 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 भाई, आइडिया। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, अबे यार यार पप्पू, एक छोटे से बच्चे ने मुझ जैसे बड़े पढ़े लिखे और समझदार इंसान को रिंगा रिंगा रोजेस खेलने पर मजबूर कर दिया यार। लेकिन भाई हमने रिंगा रिंगा रोजेस कब खेला? अबे तू कभी नर्सरी स्कूल गया होता तो तुझे पता होता कि बच्चे गोल गोल घूमते घूमते रिंगा रिंगा रोजेस खेलते। तू तो रो रो के टीचर की नाक में दम कर देता था और वो बेचारी खुद तुझे घर पर छोड़ कर जाती थी। हाँ वो तो है भाई, लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम्हारे जमाने में तो इंग्लिश राइम्स होती ही नहीं होंगी। तुम तो वो गाते होगे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बिल्ली करे म्याऊ म्याऊ, कुत्ता करे भौं भौं। चुप रहेगा या मैं तुझे काट लूं। यार पप्पू तू भी यार टॉपिक चेंज कर रहा है यार, ये सोच के इस छोटी सी मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? हाय वो छोटी सी मुसीबत नहीं है, वो आफत है। आफत जितना छोटा है ना उतना ही बड़ी आफत है वो। भाई तुम्हें पता है कुछ ऐसे ही बच्चों की वजह से मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। अबे यार पप्पू, गोल गोल घूम घूम के गर्लफ्रेंड पर आना जरूरी है क्या? ये सब छोड़ और ये पता कि उस बच्चे को भगाएंगे कैसे? भाई आइडिया, एक काम करते हैं, भाभी को कहते हैं कि उस बच्चे के सामने जाके खड़ी हो जाए बिना मेकअप के, बच्चा बेचारा डर के मारे वैसे ही भाग जाएगा। लेकिन इस बच्चे का बैड लक चल रहा है पप्पू। क्या हुआ आज सुबह ही ना, अबे सुन ना, आज सुबह ही ना बच्चे ने चांदनी को बिना मेकअप देख लिया था, लेकिन उसने एक उफ तक नहीं की यार। और तो और उसको चांदनी के हाथ का बना हुआ सड़ा हुआ ब्रेकफास्ट भी खाना पड़ा, लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला। पता है पप्पू, हम दोनों के साथ उस बच्चे की भी किस्मत फूट गई है। मैं क्या कहा, बिना मेकअप के मैं डरावनी दिखती हूँ? नहीं 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 चंदू, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, मेरे हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट सड़ा हुआ होता है और खाने पर किस्मत फूट जाती क्या? नहीं नहीं, क्या कमाल की बात कर रही हो चंदू, तुम्हारे हाथों बना ब्रेकफास्ट तो कितना टेस्टी होता है। धन्य भाग है हमारे जो हर सुबह हमें तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाने मिलता है। क्यों? चुप करो, चुपचाप बाहर जाओ और राहुल का एड्रेस जानने की कोशिश करो। जाओ। हाँ, जाओ भाई। अबे पप्पू। हाँ। तुम भी। एक करोड़पति का बेटा गुमशुदा, पता बताने वाले को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। कॉल कीजिए 011-420-420-420। अबे पप्पू ये देख, हमारी तो लॉटरी लग गई पप्पू। छोड़ो ना भाई, बेटा छोटे तुझे जो भी चाहिए ना मुझे बता दे, मैं इंस्टेंट ला के दूंगा। बड़ी चॉकलेट आती है ना वो चाहिए मुझे। बड़ी चॉकलेट अभी लाया। मैं ले आया छोटे। है बड़ी चॉकलेट, और जो चाहिए बता। टीवी ऑन कर दो। टीवी अभी ले। अबे भाई मैं करूंगा। कर दिया। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा जब तुम्हें लेने आएंगे ना, तुम्हें जरूर बताना कि हम लोगों ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हारी कितनी खातिरदारी की। ओके बता दूंगा बता दूंगा। और मैं अब टीवी देखूं? भाई हटो ना। हाँ भाई, अब बचते मुझे बता देना, नहीं तो तारीफ के बजाय कंप्लेन कर दूंगा, फिर तुम दोनों जेल में चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। बता देंगे बेटा। नंदू पप्पू,
तुम दोनों ने अभी तक इसका एड्रेस पता नहीं किया। मैं जानती थी ये काम तुम दोनों से होने वाला नहीं है। चंदू डार्लिंग तुम फिकर मत करो यार, हम दोनों इंटेलिजेंट भाई हैं ना। इसी बात का तो डर है। क्यों चंदू, आज तक तुमने मुझे कोई भी काम सौंपा है और वो हुआ ना हो, ऐसा हुआ है कभी? क्या किया तुमने? ठीक है नहीं किया, लेकिन आज से हम इतिहास को बदल देंगे। तुम टेंशन मत लो, इस बच्चे को हम उसके घर आराम से पहुंचाकर आ जाएंगे। हाँ भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस बच्चे को तो मैं इसके घर तक डिलीवर करके आऊंगा। ओके बाबा, सही सलामत इसे अपने घर पहुंचा देना। अच्छे जी, अपनी ऐसी तैसी मत करवा लेना। चंदू, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। इन दोनों से ज्यादा समझदार तो तुम हो राहुल। प्लीज अपना एड्रेस इन्हें ठीक तरह समझा देना। ओके? बता दूंगा आंटी। सॉरी ब्यूटीफुल दीदी, माल है तो ताल है, बाकी सब बेहाल है। क्या क्या कहा? मतलब बेटा, ले लॉलीपॉप खा। अरे चंदू, तुम्हें ऑफिस आने के लिए लेट हो रहा है ना, चलो तुम टेंशन मत लेना। अरे मैं बच्चे को पहुंचा दूं। अरे यू डोंट वरी पापा। बेटा आराम से, तुम्हारे पापा। नंबर निकाल। हाँ, अंकल देखे, आपका बेटा हमारे पास सेफली रखा हुआ है। आप बस हमारे घर आइए, आपके बेटे को ले जाइए, और हाँ बस हमें हमारा इनाम देकर जाइए। ओके, थैंक यू। बड़ा बच गया क्या? छोटे पप्पू, कंट्रोल बच्चा। हाँ। राहुल। नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ टाइम पूछ रहा था। अरे हाँ ठीक है यार, बज गए 12, तो अब क्या है? कात्या, अपने कुत्तों से कह दे कमरे में चले जाए। साइकिल का जब पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अबे तुझे क्या हो गया? जाता है कि नहीं? जा रहे। ये तो यार भाई, इस पिद्दी के अंदर अचानक से सनी देओल की आत्मा कहां से आ गई? पप्पू मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा तो हमारे साथ सिर्फ चंदू करती है यार। ये सच नहीं है भाई। अबे यही सच है, तुझे तो हर आता जाता भगाता रहता है। अच्छा भूल गए भाभी ने तुम्हारा कान कैसे मरोड़ा था? अबे पप्पू याद मत दिला यार, और ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, वो मुझे रोक नहीं सकता था। अरे भाई मैं तो कितने इशारे किए थे, तुम बोले ही जा रहे थे। अबे मैं क्या गूंगा बहरा हूँ जो तेरे इशारे समझूंगा? मुंह से बोल सकता था ना भाई। अगर मुंह से बोलते ना तो तुम्हारी तरह मेरा भी कबाड़ा हो जाता, मुझे भी पिटाई लगती। अच्छा बेटा, मार खाए नंदू और पॉकेट मनी खाए पप्पू, तू आ मेरे पास पॉकेट मनी मांगने के लिए। ओह नो, लगता है रामबाण का उपयोग करने का समय आ गया है। भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे इकलौते भाई, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन भाई? ठीक है माफ किया जा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे फंसाना मत, समझा? ओके भाई। हेलो, आप मुझे लेने आ जाइए। ओके जल्दी, थैंक। अब तुम दोनों बाहर आ सकते हो, मेरा गुस्सा शांत हो गया है। चल चल देख देख। चलो भाई आप आगे चलो। वाह भाई वाह, कुछ ही देर में हमारी किस्मत खुलने वाली है भाई। मैं तो कहता हूँ पैसे आते ही ना सीता और सविता के साथ अप्पू घर जाएंगे डेट पे। बेल बजी। आगे आगे आइए आइए। अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा मुन्नू, चलो मेरे साथ घर चलो। मैं आऊंगा, चलो बेटे मेरे साथ घर। मेरे पापा लक्ष्मीपति करोड़पति है। बेटा मैं तो हूँ करोड़पति लक्ष्मीपति। लगता है ये डरा हुआ है मेरा लाल, आपको देखकर तो सब डर जाएंगे। बेटा ऐसा नहीं बोलते। देखिए आपको आपका बेटा मिल गया ना, जी, जी। आप हमें हमारा इनाम दे दीजिए। हाँ जरूर जरूर। रुक जाओ पापा। पापा मैं हूँ लक्ष्मीपति करोड़पति, और ये मेरा बेटा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारा बेटा है। अरे ये हमारा बेटा है। हमारा बेटा? अरे मेरा बेटा है। हमारा बेटा? अरे मेरा, हमारा, मेरा, मेरा बेटा है। जिसका भी बेटा हो
हमारा इनाम हमें कौन देगा? एक मिनट, पहले इसका मुंह सड़ा दिया, अब साफ कर रहे हैं। अरे बहन जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मेरे बच्चे को लाल कर दिया पूरा। अरे ये तो हमारा बेटा नहीं है। हाँ ये तो हमारा बेटा नहीं। अबे तू इसका बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? राहुल मेरा बेटा है। देखिए भाई साहब, इसे जब भी स्कूल से छुट्टी करना होता है या इसका होमवर्क पूरा नहीं होता है तो ये ऐसे ही आप जैसे लोगों की फैमिली में अपना स्कूल टाइम तक रुक जाता है। हमारी जैसी फैमिली मतलब? इंटेलिजेंट फैमिली गर्ल। ओहो, वो तो हम हैं। देखिए तो फिर ये आपका बेटा है तो आप हमें इनाम दे दीजिए। हाँ हमारा इनाम। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ नाम से लक्ष्मीपति और करोड़पति हूँ लेकिन अंदर से हूँ एकदम टंटन गोपाल। भाई आप क्या करें? देखिए आप लोग अच्छे लोग लग रहे तो आप ही इनाम दे दीजिए, आधा ही सही। सिर्फ 50 लाख? इस बात का इनाम मेरा बेटा तो मिला ही नहीं। अंकल मुझे गोद ले लो ना प्लीज। ना वजन देखा है? अंकल लालच पूरी भला है। अरे मेरा इंटेलिजेंट बच्चा। खामोशियां बेचैनी